हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक्नोलॉजी पांडा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने जावा सर्वलेट क्लास को क्लाउड सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हैं और कौन से वेबसाइट पे आपको जाना होगा टू डिप्लॉय। मैं एक फ्री ट्रायल साइट का आज यूज करना करने वाला हूँ। उस साइट का नाम है जिलास्टिक.com। देन लेट सर्च फॉर जिलास्टिक.com ऑन आर गूगल। आई एम राइटिंग जिलास्टिक.com। मैंने जिलास्टिक की वेबसाइट खोली। जिलास्टिक की वेबसाइट खोलने के बाद, ओपन करने के बाद, मैं सर्विसेज में गया। सर्विसेज के बाद आपको जावा होस्टिंग में जाना होगा। लैंग्वेजेस के नीचे देखिए जावा होस्टिंग आ रहा है। आफ्टर डेट आपको यहाँ क्लिक करना है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे। ये एक जावा क्लाउड होस्टिंग वेबसाइट है। क्या सपोर्टेड जावा वर्जन है, कौन सा सर्वर ये प्रोवाइड कर रहा है, इन्वायरमेंट क्रिएशन कैसे करना है, तो एक गाइड है। आप गाइड को फॉलो कर सकते हो। एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय करते हैं वेबसाइट पे, क्लाउड सर्वर पे, आप गाइड देख सकते हो। यहाँ पे गाइड भी है। मैंने गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक किया। आफ्टर डैट मैंने अपनी ईमेल एड्रेस इनपुट की एंड इस एरो पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं पब्लिक क्लाउड पे क्लिक करूंगा। आफ्टर डैट मैंने बहुत ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि मैसिव ग्रिड जो है आपको फ्री 14 डेज की ट्रायल दे रही है। मैंने उस पर क्लिक किया। टर्म्स एंड कंडीशंस मैंने एक्सेप्ट किए और भी ऑप्शन है मैसिव ग्रिड के अलावा भी जो आपको 14 डेज का फ्री होस्टिंग दे सकती है। आफ्टर डैट मैंने साइन अप पे क्लिक किया। साइन अप पे क्लिक करें आप। आपको इसके बाद आपके ईमेल एड्रेस पे एक मेल आएगी, वेरिफिकेशन मेल मैसिव ग्रिड की तरफ से। आप अपना ईमेल ओपन करें, वहां पे आपको वो मेल ओपन करना होगा। देन आपको वहां से एक्टिवेट करना होगा। ये मैसिव ग्रिड का कंसोल है। यहाँ ये नोटिफाई हमें ये कर रहा है कि वी हैव जस्ट ईमेल्ड योर नोटिफिकेशन लिंक। मैंने मेल ओपन कर लिया। ये सबसे टॉप पे जो है वेलकम टू मैसिव ग्रिड आपको यहाँ जाके एक्टिवेट करना होगा। मैंने डबल क्लिक करके मेल ओपन की। एक्टिवेट नाउ आपको इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के तुरंत बाद ही मैसिव ग्रिड का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और आपको एक नया पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा। आपको आपका फोन नंबर भी डालना पड़ेगा। यहाँ पे फोन नंबर कंट्री कोड के साथ डालें। +91 इज आर कंट्री कोड ऑफ इंडिया। मैंने पासवर्ड सेलेक्ट किया। आफ्टर दैट मैंने फोन नंबर इंटर किया। +91 इज आर कंट्री कोड। इट विल सेंड एन ओटीपी ऑन योर मोबाइल नंबर। ओटीपी मेरे फोन नंबर पे आ चुकी है 3213। मैंने उसे इंटर किया। मैसिव ग्रिड की डैशबोर्ड आपके लिए खुल सकती है। आप अपना पासवर्ड सेव भी कर सकते हैं अपने ब्राउजर पे इफ आपका पर्सनल सिस्टम है। सम इंफॉर्मेशन इसे क्रॉस करते हैं। मैसिव ग्रिड की एक ट्यूटोरियल आपके सामने छोटी सी। मैसिव ग्रिड आपको किस चीज में हेल्प कर सकता है वो ट्यूटोरियल। प्राइसिंग एडवांटेज है इसकी।
सेटअप इन्वायरमेंट, टॉम कैट 9 मैंने सिलेक्ट किया है एज सर्वर, आफ्टर डैट मैं जावा वर्जन 1.8 सिलेक्ट करूंगा और एकल जेडीके में जाके और एकल जेडीके डेवलप जावा वर्जन 8। आप क्लास फीस का भी यूज कर सकते हो सर्वर में। इन्वायरमेंट नेम, अब आपको इन्वायरमेंट नेम सिलेक्ट करना होगा, आपको स्ट्रगल करना होगा कौन सा इन्वायरमेंट नेम आपके लिए अवेलेबल है। लेट सपोज डेमो प्रोजेक्ट अवेलेबल है, नहीं है। टेक्नोलॉजी डेमो नॉट अवेलेबल, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो क्यों ना इसे जावा टेक्नोलॉजी कर दिया जाए, नॉट अवेलेबल, जावा टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। जे को कैपिटल करते हैं हम, टी को करते हैं फॉर मीनिंगफुलनेस। ना आपको क्रिएट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, अब आपकी इन्वायरमेंट क्रिएट हो रही है। इसकी प्रोग्रेस आप टास्क पैनल में जाके देख सकते हो। टॉमकैट की नोड ऐड हो गई है जावा टेक्नोलॉजी पे। आफ्टर दैट आपकी जावा टेक्नोलॉजी की इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो रही है। इट विल टेक सम टाइम, वी हैव टू वेट। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टेक्नोलॉजी पांडा को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम। ऑनलाइन आपको स्पेस दी जा रही है, सर्वर इनिशिएट हो रहा है आपके लिए। ये टाइम सिर्फ एक बार लगेगा, बार बार नहीं। इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुकी है, टॉमकैट की नोड ऐड की जा रही है। आप वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं। टॉमकैट की नोड ऐड हो चुकी है। अब आपकी टॉमकैट स्टार्ट हो रही है विथ द आईडी नोड 48132 कंटेनर ऑफ जावा टेक्नोलॉजी। जैसे ही इन्वायरमेंट आपकी क्रिएट हो जाती है, आपको एक सैंपल हेलो ऐप जो है वो मिलेगा। आप उस हेलो ऐप को रन करवा के चेक कर सकते हो। ये रही हेलो वर्ल्ड की सैंपल पैकेज। आप इस जी पैकेज को रन करवा के देख सकते हो बिफोर अपलोडिंग और डिप्लॉइंग योर ओन जावा सर्वलेट पैकेज। तो मैं इसे क्रॉस करता हूँ।
और क्रॉस करने के बाद ये हेलो वर्ल्ड डॉट जिप है, इसे मैं डिप्लॉय करके देखूंगा। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई भी इस वीडियो को फॉलो करके अपने जावा प्रोजेक्ट को होस्ट कर सकता है। ये आपकी डैशबोर्ड रहेगी, आपको जावा टेक्नोलॉजी ऊपर आएगा, उसके नीचे एप्लीकेशन सर्वर्स है, आपको डिप्लॉयमेंट के नीचे आपकी डिप्लॉयड जो सर्वलेट क्लासेस और जावा क्लासेस जो है, जावा होस्टेड क्लासेस यहाँ डिप्लॉयमेंट के नीचे दिखेगी। लेट्स डिप्लॉय दैट सैंपल ऐप हेलो वर्ल्ड डॉट जिप। आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक करें, हेलो वर्ल्ड डॉट जिप के साइट पे जो चेकबॉक्स है वहाँ क्लिक करें, इस रेड ग्रीन बटन पे क्लिक करें। आपको अप्लाई करना है जावा टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में, एप्लीकेशन सर्वर टॉम कैट मैंने सेलेक्ट किया। कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ एंटर कर सकते हैं, नहीं भी एंटर कर सकते हैं। देन ऑनवर्ड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस डिप्लॉय बटन। When we will click deploy, our application will be launched. मैंने कॉन्टेक्स्ट में सैंपल इंटर किया है। हमारी हेलो वर्ल्ड की जो प्रोग्राम है वो डिप्लॉय हो रही है। जैसे ही डिप्लॉय हो जाएगी, जहाँ पे प्रोसेस रन कर रही है उसके साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमें एक रेड ग्रीन कलर को शॉर्टकट मिलेगा, डैट विल से दैट आर एप्लीकेशन हैज़ बीन डिप्लॉयड। आप वहाँ से वेब ब्राउजर पे आप उसे रन करवा भी सकते हैं। ये हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है। ये रही हेलो वर्ल्ड की सैंपल ऐप, फर्स्ट ऐप। दिस इज अ सैंपल हेलो वर्ल्ड ऐप। योर एप्लीकेशन इज नाउ रनिंग इन द क्लाउड। अब हम अपनी न्यू जावा एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे एंट और मीवन का एडॉन्स भी यूज कर सकते हैं। नाउ आई विल अपलोड माय सर्वलेट, जावा सर्वलेट क्लास। जब भी कोई अपलोड होती है वो वॉर फाइल के टाइप में होती है। वॉर फाइल कैसे क्रिएट करना होता है हमारी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। पहले मैंने वॉर फाइल क्रिएट करने की वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे। आफ्टर डैट आप ये कर सकते हो कि इक्लिप्स में जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करें। मैंने अपना इक्लिप्स ओपन किया। Eclipse ओपन करने के बाद मैंने इट विल टेक सम टाइम टू ओपन Eclipse, उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ। Eclipse ओपन करने के बाद अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करें, देन एक्सपोर्ट पे, देन एक्सपोर्ट टू वार फाइल। Eclipse इज टेकिंग टाइम टू ओपन, बट कोई नहीं, मैंने लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्लिप्स इंस्टॉल कर रखी है अपने सिस्टम में, 2019-12। दोस्तों मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की वीडियोज अगर आपको पसंद है और फर्स्ट देखना है तो हमारी प्रैक्टिकल्स और थ्योरी दोनों मैच करती है। मैं एक सैंपल एप्लीकेशन को अभी रन करवाऊंगा। मैंने मैरिज एपीपी क्लाइंट साइड वैलिडेशन वाले प्रोजेक्ट को, उसके पहले मैंने फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ क्योंकि आगे मैं एडिट भी करूँगा।
एक्लिप्स के प्रेफरेंसेस में जाएं, विंडो, देन प्रेफरेंसेस, आफ्टर दैट सर्च फॉर फॉन्ट कलर एंड फॉन्ट, देन कलर्स और फॉन्ट्स के अंदर आपको टर्मिनल कंसोल के अंदर जाना होगा जो सबसे नीचे है, टर्मिनल कंसोल फॉन्ट, क्लिक ऑन एडिट, फॉन्ट साइज मैंने 16 कर ली, बोल्ड, ओके, अप्लाई, अप्लाई इन क्लोज। ये मेरी मैरिज एपीपी की क्लाइंट साइड वैलिडेशन है, मैं इसे लोकल होस्ट पे रन करवा के देखता हूँ। मैंने टॉमकैट का लोकल सर्वर रखा हुआ है, सर्वलेट क्लास को लोकल सर्वर पे रन करवा के देख लेना चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि हम गलत प्रोजेक्ट जो है, जो प्रोजेक्ट में एरर्स है, डीब बग्स हैं, उसे अपलोड ना करें। मेरी सर्वलेट प्रोजेक्ट जो है लोकल होस्ट 3030 पे रन कर रही है। लेट्स चेक नेम, एज, जेंडर, द प्रोजेक्ट इज रनिंग। आफ्टर दैट लेट्स एक्सपोर्ट द वार फाइल। वॉर फाइल आपको कहाँ एक्सपोर्ट करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया है, सेव, फिनिश। आपकी वॉर फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है डेस्कटॉप पे। नाम भी आप चेंज कर सकते हो वॉर फाइल की। मैंने डिफॉल्ट लिया है माय मैरिज एपीपी। वॉर फाइल एक्सपोर्ट हो सकती है। अब हमें मैसिव ग्रिड की डैशबोर्ड ओपन करनी होगी। ये रही मेरी वॉर फाइल जो डेस्कटॉप पे है, आप देख सकते हो एक वॉर फाइल है साइज 28 KB। यहाँ पे आपको अपलोड पे जाना होगा, देन सेलेक्ट दैट वॉर फाइल। ये रही हमारी वॉर फाइल, ओपन, अपलोड। अपलोड विल टेक सम टाइम। लेट्स डिप्लॉय आर मैरिज एपीपी क्लाइंट साइड वैलिडेशन डॉट वॉर। वॉर का फुल फॉर्म क्या होता है? वेब आर्काइव। लेट्स डिप्लॉय। डिप्लॉय करने के लिए ग्रीन बटन का प्रेस करें, इन्वायरमेंट सेलेक्ट कर लें। मैंने सेलेक्ट किया है टॉमकैट सर्वर्स। डिप्लॉय, अगेन डिप्लॉयमेंट विल टेक सम टाइम। फर्स्ट टाइम जब भी आप डिप्लॉय करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, बट डिप्लॉय हो जाएगी। आप इस वीडियो को फॉलो करके किसी भी जावा एप्लीकेशंस को रन करवा सकते हो विथ ईज। आगे मैं आपको हॉट डिप्लॉयमेंट और कोल्ड डिप्लॉयमेंट के बारे में बताऊंगा, हॉट डिप्लॉयमेंट, कोल्ड डिप्लॉयमेंट, कि हॉट डिप्लॉयमेंट किसे कहते हैं, कोल्ड डिप्लॉयमेंट किसे कहते हैं, HTML फाइल को कैसे एडिट कर सकते हैं डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, सर्वलेट फाइल को कैसे एडिट कर सकते हैं। आर प्रोजेक्ट हैज बीन डिप्लॉयड, लेट्स रन द प्रोजेक्ट। जहां आपको दिख रहा है मैरिज एपीपी क्लाइंट साइड वैलिडेशन डॉट वर, वहां जाएं, ये डिप्लॉयमेंट्स के अंदर मिलेगी आपको, ये बटन जो है क्रॉस के बगल में, इसे क्लिक करें। मेरी एप्लीकेशन जो है अब वेब पे रन कर रही है। आप इस लिंक को, आप इस एप्लीकेशन जो लिंक पे डिप्लॉय हो, आप इसे किसी किसी के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन आ गई, हमने एक मैरिज एपीपी बनाई थी, वो जस्ट वैलिडेट कर रही है कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। After that, let's try to edit the HTML file during hot deployment. आपको web apps पे जाना है, root then web apps, और you have to locate the HTML file. root पे क्लिक करें, root directory के अंदर आपको HTML file मिलेगी यहाँ पे। ये रही input.html,
वेब आईएनएफ के अंदर। यहाँ पे हमें वैलिडेशन डॉट जेएस फाइल भी दिख रही है, जावास्क्रिप्ट फाइल, होम बीएनजी जो आइकन ले रखा है मैंने, आप इसे एडिट करें। एडिट करने के लिए क्लिक करें, हमारी एचटीएमएल फाइल तुरंत ओपन हो जाएगी मैसिव ग्रिड पे, डैशबोर्ड पे। मैं एक हेडर टैग लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने जो एडिटिंग की है वो डिस्प्ले हो रही है। नाउ आवर सर्वर इज रनिंग, इसे हॉट डिप्लॉयमेंट कहते हैं। जिस टाइम पे सर्वर रन कर रहा होता है और उस टाइम पे इफ हम कोई चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हॉट डिप्लॉयमेंट। हेडिंग टैग लिया मैंने, उसके अंदर लिखा दिस इज द फर्स्ट होस्टेड जावा प्रोजेक्ट ऑफ, टेक्नोलॉजी पांडा। H1 टैग क्लोज्ड। आपको चेंजेस सेव करने होंगे, अगेन क्लिक ऑन ओपन इन ब्राउजर। आप देख सकते हो कि हमने जो HTML में एडिटिंग की थी वो लाइव हो चुकी है। आफ्टर दैट लेट्स लर्न टू एडिट दैट डॉट क्लास फाइल, डॉट जावा फाइल, सॉरी। मैंने भी यहाँ पे एक println का स्टेटमेंट इंटर किया है, करूंगा pw.println। दिस इज द मॉडिफाइड सर्वलेट क्लास। आपको इस मॉडिफिकेशन के बाद इस फाइल को सेव करवाना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको इसकी क्लास फाइल, इस जावा फाइल की क्लास फाइल अपलोड करनी होगी मैसिव ग्रिड के डैशबोर्ड पे। फर्स्ट हम इसे लोकल सर्वर पे रन करा के देख लेते हैं, रन ऑन सर्वर, लोकल सर्वर, फिनिश। लेट्स चेक ये रनिंग है कि नहीं, इट्स रनिंग। नाउ लोकेट द डॉट क्लास फाइल, मैं वर्क स्पेस के अंदर गया। आफ्टर दैट क्लाइंट साइड वैलिडेशन, देन आई विल लोकेट दैट क्लास फाइल। ये हमारी क्लास फाइल है, मैंने इसकी लोकेशन, दैट इज दैट लोकेशन URL, मैं उसे कॉपी कर लूंगा। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे अपनी क्लास फाइल को फर्स्ट डिलीट करूंगा। जो आपकी क्लास फाइल ऑलरेडी डिप्लॉयड है आपको उसे डिलीट करना होगा। आफ्टर दैट डिलीट करने के बाद आपने वो क्लास फाइल को अपलोड करनी होगी। जो डिप्लॉयड क्लास फाइल थी मैं उसे अब डिलीट करने जा रहा हूं। ये हमारी क्लास फाइल है, सेटिंग बटन पे क्लिक करें, डिलीट, यस, ये फाइल डिलीट हो गई। आफ्टर दैट अपलोड दैट फाइल, मैंने उस फाइल को सर्च करने के लिए URL पेस्ट किया, लोकेशन URL, फाइल मिल चुकी है, सिलेक्ट करो, ओपन करो, अपलोड करो। आपको यहाँ एक और चीज देखने को मिलेगा कि इस फाइल को डिप्लॉय करने के बाद हमें सेव करना होता है, आफ्टर दैट अगेन रीडिप्लॉय करनी होती है, तब जाके सर्वलेट की चेंजेस जो है वो दिखती है, विजिबल होती है ऑन ब्राउजर।
मैंने यहाँ रिप्लेस कर लिया। डिप्लॉयमेंट सेक्शन के अंदर जाके हमें अगेन रीडिप्लॉय करनी होती है, एल्स चेंजेस नहीं दिखेगी। लेट्स चेक चेंजेस दिख रही है कि नहीं। मैंने वेबसाइट को रन करवा दिया, मैंने अपना होस्टेड जो एप्लीकेशन को रन करवा दिया, डाला मेल, चेक माई रेजिडेंसी, चेंजेस यहाँ पे शो नहीं हो रही है। यू हैव टू गो टू दैट डिप्लॉयमेंट पार्ट, सी हेयर इज वन बटन ग्रीन रीस्टार्ट नोड एंड वन मोर बटन इज देयर टू री डिप्लॉय कंटेनर। ये दोनों बटन्स में आपको किसी बटन को प्रेस करना है टू री डिप्लॉय और री स्टार्ट नोड, देन ऑनवर्ड ही आपकी सर्वलेट क्लास फाइल जो है उसकी चेंजेस जो है वो आपकी होस्टिंग में दिखेगी, होस्टेड जहाँ है वहाँ दिखेगी। चेंजेस सेफ हो गई दोस्तों। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करो अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए। मोटिवेट अस टू प्रेजेंट दिस टाइप ऑफ वीडियोस मोर एंड मोर इन फ्रंट ऑफ यू। इट विल टेक सम टाइम इन डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉय हो चुकी है कंटेनर्स इन जावा टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली रिस्टार्टेड। पुराने टैब को मैं क्लोज कर रहा हूँ। नेम मैंने फिर से एंटर किया, एज मैंने फिर से एंटर किया, जेंडर एंटर किया, चेक मैरिजेबिलिटी, दिस इज द मॉडिफाइड सर्वलेट क्लास फाइल। ये एडिटिंग हमने डॉट क्लास फाइल पे की है दोस्तों। थैंक यू।